global advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. लड़की है, हमारी लड़की है आइजा जो एक मिनट पहले जिदान से पैदा हुई. जिदान, ये जिदान है. जिदान का मतलब है somebody who is successful and makes other people successful. इसका नाम का मतलब है और इसका ब्लेसिंग. सो दिस इज जिदान. हेलो, हाय. हेलो, यू ऑलरेडी वांट टू टेक द माइक एंड टॉक. लुक, आई थिंक वाइट देना है, कुछ कहना है. आइजा, यू वांट टू से समथिंग? से मम्मा. She's not interested in my mother. She's got media. Say hi, media. Hello. Welcome me to the world. All right. So, kitna privilege moment hai, hota hai ye aap logon ke liye, and kya kuch? Yeah. Kya feeling hai? Luck, twins. Twins. Main bhi twin hoon. Meri bhi twin bhai hai. To ye matlab. Haan, so same. Aur yeah, it's a very privileged moment because. बच्चे आते हैं फिर मालूम पड़ता है कि इसका अफेक्ट क्या है. वैल्यू, हाँ. एंड मेक्स यू रियलाइज मोर सेल्फ वैल्यू, मोर मिशन इन लाइफ. ऑफ कोर्स, या वेरी नाइस. या मतलब हम लोग को लगता है कि जिंदगी में बहुत प्यार कर लिया, शेयर कर लिया, एंड दैट इज़ द मैक्सिमम यू कैन डू, एंड देन यू गेट बेबीज, एंड देन कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतना और अपने दिल में और प्यार हो सकता है और सैक्रिफाइस हो सकता है और सब कुछ हो सकता है. गॉड नोज, बीइंग अ मदर इज समथिंग डिफरेंट. यू हैव टू एक्सपीरियंस इट. मोर मीनिंग इन लाइफ. हां, देयर इज मोर मीनिंग, डेफिनेटली. एंड मोर हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट? व्हाट हैपेंस इन लाइफ स्टेज इन लाइफ. ऑलराइट, नाउ वुल्फ, एक ट्विन पेरेंट टू अनदर ट्विन पेरेंट, गेट रेडी फॉर एडवेंचर. ट्रस्ट मी, इज द मोस्ट अमेजिंग एडवेंचर. लेकिन भाई, अपनी जो एक टीम होती है, एक आर्मी होती है, वो रेडी रखना, बिकॉज ट्विंस जो होते हैं ना,
वो आपकी बैंड बजा देंगे. आई सेड दे नीड अ लॉट ऑफ अटेंशन, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. सो केवी टीजी, आउट ऑफ एक्सपीरियंस क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे फॉर देयर पेरेंटहुड? आई थिंक यू नो, ये नैनी नहीं चाहिए, यू नीड समवन हु कैन प्ले विद देम ऑल डे लॉन्ग, एवरी डे. मतलब एक्चुअली उनको हर सुबह से शाम तक, जैसे सुबह उठें उसके बाद आपका एंटरटेनमेंट चालू होना चाहिए. तो जितने भी घर के मेंबर्स आप मिल सकते हैं, हो सकते हैं, आ जाओ घर पे, एंटरटेन करो. एंड नैनी हो तो ठीक है, बट एक्चुअली दे नीड पर्सनल अटेंशन, दैट्स व्हाट दे नीड. या केवी, यू आर आल्सो अ पेरेंट, तो क्या डूज एंड डोंट्स बताना चाहोगे उन दोनों को? आई वाज सेइंग डोंट कॉल देम द ट्विन्स. हम कभी नहीं ऐसे करते. दे आर टू सेपरेट इंडिविजुअल्स, टू सेपरेट पीपल. इनफैक्ट जो छोटी वाली है वियना, वो बड़ी को दीदी बुलाती है, बिकॉज एक मिनट का फर्क है. हमने स्पेशली ये किया है कि वो छोटी दीदी बुलाए, यू नो. सो एक वो you don't become the twins, even though we're twins hai, but they don't become the twins, yeah. You know, because wo twin bahut wo ajeeb sa ho jata hai. And also I think, you know, people say no, you shouldn't separate them, keep them together. Nahi nahi, hum alag bhi rakhte hain. You have to spend individual time with them, otherwise they will grow up. Aji touch ho gaya, lekin kuch nahi hoga. Are kya pata kisne muh mein dal diya ho mic. Sahi baat hai भाई, बहुत स्ट्रेस हो रहा है आजकल सच में. देखो ये इसकी लड़कियों को कोई स्ट्रेस ही नहीं है. मैं बोले ना मैं मास्क पहनूंगी, ना ग्लव्स पहनूंगी, कुछ भी नहीं. मैं तो सैनिटाइज भी कर रहा हूँ. किसी को चाहिए तो आप प्लीज़, हाँ प्लीज, किसी को चाहिए, आई एम ऑल प्रिपेयर्ड मैन. आई Alright. Thank you so much, man. No, no, please. I have this important question that is what like I wanted to ask you. How are you people taking precautions and coping up with this deadly virus? आप देख ही रहे हैं हम लोग कितना precaution ले रहे हैं. Gloves पहने हुए हैं, mask पहने हुए हैं, डेटॉल सैनिटाइजर हाथ में. और basically मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये हम बचपन में सीखते थे hygiene और cleanliness, जो कि आज करोना वायरस का ही वापस टच हो गया. जो करोना वायरस की वजह से सडनली लोग बोल रहे हैं स्टे हेल्दी, बी क्लीन, बी यू नो हाइजीनिक, या दिस इज अ नॉर्मल. एब्सोल्युटली मैन, ऑनेस्टली प्लीज, आई एम ग्लैड वी आर जस्ट डूइंग बेसिक थिंग्स. या सो डू द सेम थिंग, वॉश योर हैंड्स ऑफन, मेक योर चिल्ड्रन वॉश योर हैंड्स ऑफन, बिकॉज़ चिल्ड्रन टच वॉल्स, दे टच एवरीथिंग, एवरीथिंग. सो एंड आई वुड थिंक अनदर थिंग टू बी केयरफुल इज मनी, बिकॉज़ मनी गोस टू सो मेनी हैंड्स. सॉरी, मैं तो सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स यूज करता हूं. और आजकल तो ऑनलाइन बैंकिंग हो गई है हमारी. अपना फोन किसी को ना दे, ठीक है. और एक बहुत पुरानी कहावत है, ऑनलाइन बैंकिंग और डेबिट, और पुरानी कहावत है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस. ये हम बचपन में सीखे थे, याद है? तो नाउ अगर गॉड के पास नहीं जाना है तो बी क्लीन. ऑलराइट, थैंक यू. खुशखबरी है तो यू नो इट्स अ गुड न्यूज. ब्लेस द किड्स एंड ऑल द बेस्ट टू आवर फिन एंड सारा, क्योंकि हमारे पास दो है, अलग अलग आए थे. इन लोग के तो साथ में आए तो मजा अलग ही होगा. एक्चुअली मैं आरफीन खान की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम अ क्वालिफाइड लाइफ कोच, जो वो करते हैं. और तब जब स्टेज पे हमें लेक्चर दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि जब सारा प्रेग्नेंट थी, तब डॉक्टर ने कहा कि सिर्फ एक ही बच्चा है. सो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे ध्यान में आई एम श्योर आई हैव गॉट ट्विन्स. And then when she went for the second checkup, that's when they got the good news that it's twins. And you know, one boy, one girl, so perfect, matlab family puri ho gayi ek hi shot mein. I wish we all had that chance. Alright. Yeah. Thank you. थैंक यू. अपने अंदाज में, मेरा एक बहुत बहुत सिंपल अंदाज है यार. मैं तो बच्चों को जाकर मतलब छूना चाहती हूँ, लेकिन आज शायद नहीं करूँगी. तो मैं दूसरे ही अपने पुराने अंदाज में उनको हाई हेलो करके निकल जाऊँगी. ऐसे कुछ ऐसे टिप्स देना चाहेंगे, ऐसे सेफ रहे बच्चों को कैसे ध्यान रखें? आई डोंट नो आपको एक्सपीरियंस है या नहीं, लेकिन मेरा 3 साल का नेफ्यू है. हाँ, इसीलिए पैदा होते ही मेरे हाथ में आ गया था. हाँ. आधे टाइम मेरी बहन ने मुझे को जगा के रखा था जब वो उसको फीडिंग करती थी. हाँ. तो या तो मुझे काफ़ी मतलब मेरे सब फ्रेंड्स के पास बच्चे हैं. मैं बच्चों के साथ ही आई थिंक अब पल बढ़ रही हूँ. तो मुझे बच्चों के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. मुझे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं एंड खुद के नहीं है लेकिन सबके हैं. तो काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है. पर बच्चों का ध्यान रखना चाहिए एंड आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा लोगों को अपना डिस्टेंस रखना चाहिए बच्चों से, बिकॉज इट्स नॉट नाइस कि आप बच्चों को जाकर आके गले लगा लें. आई थिंक अब्रॉड पीपल आर रियली केयरफुल. इनफैक्ट जब मैं यूएस में थी, आई रिमेंबर कि मैं जाकर एक बार यू नो एक बच्चे से जाकर सो क्यूट कर दिया, शुरू कर दिया. उसके पेरेंट्स ने मुझे जिस तरह लुक दिया, लाइक इतने मुझे ऐसा क्यों लुक दिया. देन आई रियलाइज कि हर जगह इंडिया की तरह नहीं होता है जहाँ पर आप किसी के बच्चे को भी जाकर छू सकते हैं. पीपल लाइक एवरीबडी सैनिटाइज कि हाथ उनके सैनिटाइज होने चाहिए, कि मतलब जाकर बस आप उनको किसी ना कर दें, उनको हग ही ना कर दें. सब बच्चों को पसंद है, बट यू शुड नॉट डू दैट. जी जी बिल्कुल.
एंड जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि आप बहुत ही प्रिकॉशन लेती हैं, और जैसा कि बात की कि लोग ट्रेन से भाग जाते हैं तो पढ़े लिखे जाने की बात की, तो ज़रा कुछ बताना चाहेंगे लोग को, लोगों के, हालांकि गवर्नमेंट अवेयरनेस की बात कर रही है, गवर्नमेंट मतलब मुझे लगता है कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है अगर लोग ही इतने पढ़े लिखे जाहिलों की तरह बिहेव करेंगे. आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या क्या हो रहा है, और ये वायरस कोई छोटा सा वायरस नहीं है. WHO ने उसको एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया है, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपको ज़रा सा भी खराश है, आपको गले में तकलीफ है, आपको जुकाम वुकाम हो रहा है, तो आप अपने रूम के अंदर बैठिए, ये भी नहीं अपने रूम से बाहर जाइए. आप अंदर चीज़ें स्लाइड इन एंड स्लाइड आउट कर सकते हैं. आई थिंक सेल्फ क्वारंटाइनिंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप पढ़े लिखे जाहिल हैं, और जाहिलों की कोई जगह वैल्यू नहीं होता, क्योंकि आप एक बंदा चार लोगों को और देगा, वो चार लोग 10 लोगों को और देंगे, और इसी तरह एक पैंडेमिक फैलता है. सो इट्स जस्ट बेस्ट टू लाइक नॉट शेक हैंड्स, नॉट टू हग पीपल. भागिए मत ट्रेन के अंदर, ट्रेन में लोगों को प्लीज़ ये मत करिए. वहाँ पर वृद्ध इंसान होते हैं, बच्चे होते हैं, बुज़ुर्गों को बहुत आसानी से ये डिज़ीज़ हो सकता है, और ये बहुत जानलेवा है, और काफ़ी बुज़ुर्ग मर भी रहे हैं. तो आई रियली थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वन शुड नॉट ओनली थिंक अबाउट देमसेल्फ, दे शुड रियली थिंक अबाउट द एंटायर world right now. मुंबई रफ्तार न्यूज की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें.